अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मित्रों, आज मैं दुख और आश्चर्य से ये कह रहा हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और कांग्रेस एक ही भाषा बोलते हैं, नागरिकता संशोधन बिल पर। कल आपने इमरान खान का ट्वीट देखा होगा। अब इमरान खान को मानवाधिकारों की चिंता हो रही है। पाकिस्तान में मानवाधिकारों की क्या स्थिति है? वहां के अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे प्रताड़ित किया गया है? बेटियों का अपहरण होता है, जबरदस्ती निकाह करवाए जाते हैं, सरेआम हत्याएं हो जाती है, धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। वो इमरान खान चिंता प्रकट करते हैं भारत में मानवाधिकारों की, और जो इमरान खान पाकिस्तान में बोलते हैं वही श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महागठबंधन के लोग भारत में बोलते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, मानवाधिकारों की इतनी चिंता थी तो जब कश्मीर की घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकाला जा रहा था, हत्या हो रही थी, तब मानवाधिकारों पे क्यों नहीं बोले? क्या मानवाधिकार एक तरफा होंगे? बोलिए। नागरिकता संशोधन बिल पर जो हंगामा मचाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, आगे उस बिल में ऐसा क्या है? ये बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। भारत में रहने वाले मुस्लिम भाई बहन हमारे अपने हैं, इसी धरती पर उन्होंने जन्म लिया है, ये देश उनका है। लेकिन मानवाधिकारी जरा सोचे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियंस, उनके साथ जो व्यवहार होता है। मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए मैं इंदौर में जब गया था तो वहां सिंध से, पाकिस्तान के सिंध से वीजा लेके कुछ लोग आए हुए थे, जिनमें बेटियां भी थी, बहनें भी थी। वो आज जो सांसद है वहां के इंदौर के, शंकर ललवानी, तब सांसद नहीं थे, उनके साथ मिले और वहां बेटियां कह रही थी कि हमें मार दो, यहीं हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, वो नरक है, हमारे मान सम्मान से खेला जाता है। सारा विश्व जानता है इस स्थिति को। आखिर वो लोग कहां जाएं पाकिस्तान में अगर उनके साथ ये व्यवहार होता है? भारत के अलावा उनके लिए कौन सा देश है? और इसलिए बिल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, जिनका मान, सुरक्षा, सम्मान, इज्जत, जान सुरक्षित नहीं है, ऐसे अपने भाई बहनों के लिए भारत के अलावा और कौन सा स्थान हो सकता है? लेकिन यहां महागठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है। यही महागठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, इन्हें ही मधुकोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया था। और जैसी लूट उस समय मची झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों की, उस लूट ने झारखंड को तबाही और बर्बादी के कगार पर पहुंचाया। अपने घर भर लिए लोगों ने, ।2014 तक कांग्रेस ने सरकार चलाई दिल्ली में, सर्वोच्च नेतृत्व से लेके
एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, कई मामले आज भी चल रहे हैं। पर आदिवासियों का मसीहा जो अपने आप को कहते हैं, उन्हें हमारे आदिवासी भाई और बहनों का केवल शोषण करके अपना घर भरने का काम किया है। झारखंड के चुनाव में एक तरफ भ्रष्टाचारियों की जमात है, भारतीय जनता पार्टी विकास की यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण का यज्ञ है। 2014 तक जब तक झारखंड में अस्थिरता थी, विकास की तरफ झारखंड के कदम नहीं बढ़े। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और झारखंड में रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने, झारखंड के विकास की यात्रा प्रारंभ हुई। सड़कों का जाल हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी का इंतजाम हो, जन कल्याण की अनेकों योजनाएं हो, मैं उनके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहता क्योंकि कई बार यहां चर्चा हुई होगी। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ मुख्यमंत्री किसान आशीर्वाद योजना जैसी योजनाएं जो किसानों की जिंदगी बदलने का काम करेगी, बहनों को 50 लाख तक की रजिस्ट्री 1 रुपया में करने का काम, एक नहीं ऐसे अनेकों काम है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। और आप गठबंधनों का इतिहास देखिए, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, धोखेबाज। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया, 6 महीने में नहीं चलने दिया। चंद्रशेखर जी को बनाया, 4 महीने में हटा दिया। देवेगौड़ा साहब 9 महीने चल पाए, गुजराल साहब तो उससे कम समय तक रहे। ये बनाते हैं और फिर गिरा देते हैं। कर्नाटक में भी कुमारा स्वामी को गिराने वाले सिद्धरमैया हैं, रोते ही रहे वो जब तक मुख्यमंत्री रहे, और गठबंधन से परेशान होके जनता ने अभी परसों 15 में से 12 सीटें भाजपा को जिता के येदियुरप्पा जी की स्थायी सरकार बनाई। ये गठबंधन कभी अच्छी सरकार नहीं दे सकते, स्वार्थ के गठबंधन है ये। और भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत का मान सम्मान, प्रतिष्ठा और इज्जत पूरी विश्व में बढ़ी है और पूरे देश को विकास के एक नए रास्ते पर ले गए। बरसों पुराने ऐसे मुद्दे, लोग सोचते थे कि धारा 370 तो केवल नारा है, ये कभी हटेगी थोड़ी। इवन भाजपा के कार्यकर्ता सोचते थे कि ये तो चुनाव में नारा लगता है, हटना पटना थोड़ी है। मोदी है तो मुमकिन है, धारा 370 हट गई, राम मंदिर के मार्ग की बाधाएं हट गई, अब भव्य राम मंदिर बनेगा। नागरिकता संशोधन बिल अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। मोदी जी भारत को, मैं मानता हूं, हृदय से भगवान का वरदान है और उनके साथ पूरी टीम है। अमित शाह जी तो राम के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं, तो रघुवर दास जी नल नील के रूप में विकास के पुल बनाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन ठगबंधन है, इस चक्कर में लोग नहीं आएंगे। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मैं जब कल रामगढ़ की सभा में बोल रहा था तो एक और पार्टी जो खड़ी हुई है, लोगों का ये तो डीएमके है, इनका डीएमके यहां थोड़ी है, डीएमके तो तमिलनाडु में। उन्होंने कही नहीं, इसका मतलब है दारू, मुर्गा और खस्सी। अब इस तरह की पार्टियां भला नहीं कर सकती, स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। विकास की यात्रा और जनकल्याण के यज्ञ को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा सकती है।
इसलिए मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है झारखंड की जनता, ऐसा मैंने कल तीन सभा में देखा, भारतीय जनता पार्टी को शानदार बहुमत देकर फिर सरकार बनाएगी। मुझे तो इतने कहना, देखिए सरयू राय जी स्वभाव से ही विरोधी दल के नेता हैं, वो सरकार में मंत्री थे तब भी विरोध ही करते थे, सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का, और इसलिए वो भाभी सरकार में रह के भी विरोध करते थे, सरकार के बाहर भी। भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है कि सब मिलके चले, साथ चले, जब असंभव हो जाता तब बाधा लगे। नहीं कोई सर, रघुवरदास जी ने बहुत साफ सुथरी सरकार चलाई है, गर्व करने लायक सरकार चलाई है। आज जमुआ नाला दोनों विधानसभाओं में मेरी सभा है, ये फिर मैं रांची होते हुए विपक्षी दल एक आरोप लगा रहे हैं इकोनॉमिक रिसेशन और आर्थिक मंदी जो है उससे निपट नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी जल्दी कीजिए ना, भैया देते हैं आर्थिक मंदी, एक आदमी को फोटो लेने से प्याज के दाम काफी बढ़े हुए हैं, तो इन आरोपों को किस तरह से? कोई आर्थिक मंदी जैसी परिस्थितियां नहीं है, वैश्विक परिस्थितियों का हर देश में कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, थोड़े बहुत अप डाउन चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मंदी की गिरफ्त में आ जाएं। और जहां तक रोजगार का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उसने एक नई करोड़ों रोजगार के अवसर पैदा किए, उस मोर्चे पर भी विशेषकर मुद्रा बैंक जैसी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। चुनौतियां आती हैं लेकिन सरकार उसका सामना करते हुए आगे बढ़ती है। झारखंड मोमेंटम में एक आपका ये था रघुवरदास का बहुत बड़ा योजना था, लेकिन वो सक्सेस नहीं रहा, उस पे आरोप लगा कि ये जस्ट एक स्वप्न है, कुछ नहीं है। मोमेंटम झारखंड कुर्ता हाथी जिसका विपक्ष इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रयास किए गए, विपक्ष से उल्टा हाथी बता रहे हैं, कुछ स्वप्न है और कुछ नहीं है। पहले तो कोई सोचता भी नहीं था झारखंड में आने की, क्योंकि रूठी मची रहती थी। रघुवरदास जी ने गंभीर प्रयास किए, उसके कारण उद्योग आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन निवेश कोई ऐसा मामला नहीं कि एक रात में ही रातों रात उद्योग खड़े हो जाएंगे। लेकिन दो बार ही मोमेंटम झारखंड हुआ, लेकिन सक्सेस मैंने कहा कि सक्सेस नहीं रही है। देखिए लोगों को बुलाते हैं, बात करते हैं, जितने आए वो पहले दिन ही उद्योग लगा लेंगे, क्योंकि सारी परिस्थितियां देख के उद्योगपति उद्योग लगाते हैं, लेकिन झारखंड अब निवेश के लिए भी पसंदीदा राज्यों में भर रहा है।